विद्यालय में 29 करोड़ की लागत से हो रहे निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला उजागर करने के 16 महीने बाद भी अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप शिकायतकर्ता विनोद तिवारी ने लगाए थे। विनोद की सूचना के अधिकार के तहत कई दस्तावेज हासिल करने के बाद इसकी लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गौरतलब है कि पूरा कार्य विश्वविद्यालय की निर्माण शाखा की देखरेख में किया जा रहा है और इसी शाखा में पदस्थ एक सब इंजीनियर पर नियमों को दरकिनार करते हुए जो अपने चहेते ठेकेदार हैं उनका बिल पास करने और अन्य ठेकेदारों के भुगतान महीनों तक लटका कर रखने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत सीएम और विभागीय मंत्री से भी की गई है। जबकि इस मामले में रजिस्ट्रार का कहना है कि भ्रष्टाचार की शिकायत पहले भी मिल चुकी है, इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाकर शासन को रिपोर्ट दी जा चुकी है। अब अगर विभागीय मंत्री ने कोई बयान दिया है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। है रिसर्च बिल्डिंग है, वीसी बिल्डिंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव क्वार्टर्स हैं और कर्मचारी क्वार्टर्स हैं। 16 महीना गुजर चुका है, उसके बावजूद आज दिनांक तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि वहां पूरा सिस्टम। और आपको बता दें कि दुर्ग के कामधेनु विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहां पर 29 करोड़ की लागत से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। आपको बता दें कि टेंडर प्रक्रिया में चहेतों को इनके जो बिल हैं ठेकेदारों को पहले तो टेंडर नहीं दिए गए, ऊपर से जो बिल हैं वही पास किए जा रहे हैं। इस तरह के गड़बड़ जाला सामने आया है निकलकर 16 महीने के बाद भी, ये पहले ही जांच हो चुकी है, उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि भाजपा के काल में इसकी कार्रवाई की गई थी और उसके बाद ये पूरा घोटाला हुआ था पूरा, इस पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप शिकायतकर्ता विनोद तिवारी ने लगाए थे, उन्होंने आरटीआई के तहत ये जानकारी जुटाई और उसके बाद इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी भी 16 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती चल रही है। और आपको बता दें कि पूरा जो कार्य है वो विश्वविद्यालय की निर्माण शाखा की देखरेख में किया गया है, इसमें सब इंजीनियर की जो भूमिका है वो संदिग्ध लग रही है। अधिक जानकारी से चंद्रकांत दिवंगर हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। चंद्रकांत, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, यहां पर जो ये भ्रष्टाचार हुआ है 16 महीने बीत गए हैं, कार्रवाई के नाम पर शून्य है, आखिर क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो कामधेनु विश्वविद्यालय है यहाँ पर 29 करोड़ की लागत से शासन ने विभिन्न जो कार्य योजना है कामधेनु विश्वविद्यालय के एक्सटेंशन को लेकर कई प्रोजेक्ट को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से लेकर रिसर्च टावर से लेकर कई बिल्डिंगों के लिए पैसा दिया था, जिसमें निर्माण का बिलासपुर दुर्ग समेत अंबिका सूरजपुर जैसे तमाम जगहों पर होने जो टेंडर प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाया गया। टेंडर प्रक्रिया से ई टेंडरिंग होनी थी और गलत तरीके से जो ठेकेदार है चाहते ठेकेदारों को काम दिया गया, जिस पर एक रिपोर्ट जांच उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी और उस जांच समिति की रिपोर्ट जो 178 पेज की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, बावजूद जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद जो वहां पर जो पदस्थ सब इंजीनियर है हिमालय सवाटनी उसके उनके द्वारा भ्रष्टाचार कमीशन मांगने तमाम जो ऐसे आरोपी ठेकेदारों द्वारा लगाए गए उनकी शिकायत भी की गई। जो मंत्री है रविंद्र चौबे जी जो कृषि मंत्री, उन्होंने इस बारे में जांच के आदेश दिए, हालांकि अधिकारियों का ये दुख है कि उन तक के ऐसा कोई आदेश नहीं पहुंचा, लेकिन मंत्री जी ने ऐसी बात कही थी, ये पत्र उसके माध्यम से पता चली, समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से, तो इसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी और जांच करने के बाद जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पर हफ्ते भर बीत जाने के बावजूद इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम वहां पहुंची तब अधिकारी ये बात कहते हैं कि हमने अभी तक इस बारे में कोई जांच समिति तो गठित नहीं की गई की है और जांच भी जारी नहीं की, लेकिन जिस तरह भी पत्र आता है मंत्रालय से तो इस बारे में निश्चित तौर पर जांच कर रही है, लेकिन लगातार कि भ्रष्टाचार एक के बाद एक उजागर है। जो शिकायतकर्ता है विनोद तिवारी, उनके द्वारा शिकायत की गई थी और 16 महीने लगभग बीत गया, उन्होंने एक पॉइंट टू पॉइंट इस मैटर। ठीक है, चंद्रकांत बने रहेगा हमारे साथ, शिकायतकर्ता विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आपने जो पूरा मामला उठाया है भ्रष्टाचार का, 16 महीने बीत गए, कार्रवाई के नाम पर शून्य है, सभी लोगों को अवगत है कि भ्रष्टाचार हुआ है और इससे पहले रजिस्ट्रार खुद कह रहे हैं कि जांच समिति बनाई गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, उसके बाद कार्रवाई करने के नाम पर कोई आगे नहीं आ रहा, क्या वजह है? देखिए,
देखिए भाजपा शासन काल में व्यापक पैमाने पर वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, एक तरह से वो केंद्र ही पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वहाँ पर पीसी बदले में और सूरजपुर में जिन्होंने कॉलेज बनाया है, तो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार में सभी लोग कम्प्लीट है। फर्जी एमडी की पुस्तिका माप पुस्तिका लगाई गई है और सारे नियम कानून को साथ में रखकर काम किया गया, जिसकी शिकायत मैंने 16 सूचना अधिकार से सारी जानकारी निकाल के पुख्ता प्रमाणों के साथ शिकायत की। 16 महीना गुजरने को है, आज दिनांक तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मौखिक रूप से 2 बार और मिलकर जाकर अधिकारियों को निवेदन किया कि इसकी कार्रवाई करिए, मगर उस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। मैं ICIC लगाया कि मेरे मामले में क्या कार्रवाई की है, जांच रिपोर्ट मुझे दी जाए, तो उन्होंने जानकारी नहीं दी। फिर मेरी अपील सिकल में, वहाँ अपील में गया तो मुझे 7 दिन का समय मांगा गया है जांच रिपोर्ट देने के लिए। और अब ये पूरे मामले को अधिकारियों को अवगत करा के कलेक्टर से स्मरण पत्र दिया हूँ और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री जी को इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे। यह मामला जो संज्ञान में आ रहा है कि मंत्री जी ने भी कह दिया, कार्रवाई के आदेश दे दिए गए, उसमें कितनी सत्यता है जी? उसके बारे में तो जानकारी मेरे को नहीं कि मंत्री जी से क्या कहा था, कि मंत्री जी से संबंध में मिला रहता है तो उसका विभाग के लोग ही कर देंगे इसमें कार्रवाई, क्योंकि इसके पुख्ता प्रमाण है, वही तो विभाग के दिए हुए प्रमाण है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, 36 करोड़ रुपए का उसमें आधा पैसा ई टेंडरिंग का मामला सामने आ रहा है। ई टेंडरिंग में किस तरह से चहेते ठेकेदारों को ई टेंडरिंग में जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए कैसे दे दी गई चहेते ठेकेदारों को टेंडर? 20 लाख से ऊपर का पैसा ई टेंडरिंग किया जाता है। 36 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया, मैनुअल कर दिया। अच्छा, ये ई टेंडरिंग के बजाय मैनुअल किया गया? हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसमें भी उन्होंने मैनुअल कर दिया, सारे नियम कानून को साथ में रख के कर दिया। वहाँ पे आप जाएंगे उस यूनिवर्सिटी में, शुरू से लेके आखिर तक कोई भी बिल्डिंग, कोई भी हॉल, कोई भी सप्लाई, किसी भी काम को अगर आप उसमें वॉच करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार मिलेगा। और भ्रष्टाचार एक आदमी कर नहीं सकता, एक आदमी करेगा उसके ऊपर और बहुत सारे लोग बैठे, बहुत सारे अधिकारी, कई टेबलों से गुजरती है, सारे टेबलों की हिस्सेदारी फिक्स है उसकी, सब अपनी हिस्सेदारी करके चलिए। विनोद जी, तमाम जानकारी के लिए, साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार चंद्रकांत हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रकांत, जिस तरीके से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर साफ साफ लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आखिर प्रबंधन जाहिर सी बात है शायद इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा या कार्रवाई करने से बच रहा है क्योंकि उनकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं कर सकता कोई भी भ्रष्टाचार, शायद यही वजह है। क्या आप ऊपर से कोई आदेश या ऊपर से कोई टीम जांच के लिए आ सकती है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि अगर सारे के सारे मिली भगत से ये भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को बचाने का कार्य किया जा रहा है, और शायद यही वजह प्रबंधन जो है किसी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई करता नहीं दिखा। एक दो अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया और इस ट्रांसफर को उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाया कि ट्रांसफर जो है वो कार्रवाई की गई है, लेकिन ट्रांसफर कोई कार्रवाई नहीं मानी जा सकती। और इस बारे में मंत्री जी के द्वारा जो बयान आया है और जो शिकायत करता है, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि इसमें जो मुख्यमंत्री और मंत्री से शिकायत की जाएगी और इसके बाद अगर मंत्रालय इस तरह कोई जांच समिति बनती है तो निश्चित तौर पर उस जांच समिति के द्वारा जो जांच की जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार में लिप्त सारे के सारे जो अधिकारी और कर्मचारी है निश्चित तौर पर दोषी पाए जाएंगे और उन पर चाहे तो सरकार या अन्य मामलों की तरह उसमें मामला दर्ज करके इन अधिकारियों को जेल भेज सकती है। तमाम जानकारी के लिए चंद्रकांत, शुक्रिया आपका। बात करते हैं ग्वालियर की।